मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सैंड माफिया रेता चोरी के अंदर उनके ऊपर रेड हो रही है। राघव चड्ढा जी ने भी चन्नी साहब के उनके अपने हलके में दिखाया था कि किस तरह से वहाँ पे रेता चोरी हो रही थी। उसको उजागर करने के बावजूद सीएम ने, चन्नी साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो साफ जाहिर है कि वो और उनका परिवार जो है वो रेता माफिया में शामिल हैं, और जो मुख्यमंत्री और जो परिवार, जिनका पूरा परिवार रेता चोरी में शामिल होगा, उनसे पंजाब के भविष्य की क्या अपेक्षा की जा सकती है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि इनकी पूरी कैबिनेट के अंदर बहुत बड़े बड़े रेता माफिया के लोग बैठे हैं, जिनको चन्नी साहब खुद संरक्षण देते थे। नहीं तो चन्नी साहब ने उनको क्यों नहीं निकाला, उनको अपनी कैबिनेट में क्यों रखा? आज चन्नी साहब के अपने परिवार के ऊपर रेता की चोरी के इल्ज़ाम लग रहे हैं, रेता चोरी के रेड हो रही हैं, ये बड़े दुख की बात है। और पूरा पंजाब देख रहा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री और उनका पूरा परिवार रेता चोरी के अंदर शामिल है।